मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कराची, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के ये मनाजिर हैं जो आप सुनो टीवी की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अलविदा 2022 और सुनो टीवी की जानिब से नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम किया जा रहा है 2023 को जोश और खरोश के साथ। आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और कराची के ये मनाजिर हैं और जो आसमान है रंगो नूर से नहा गया है, रोशनियों की बहार है और 2023 का इस्तकबाल किया जा रहा है। शहरी सड़कों पर आ गए हैं, अहम शहरों पर तकरीबात का अहतमाम किया गया है और 2023 का आगाज हो गया है। भरपूर जोश और जज्बे के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। अलविदा 2022, वेलकम 2023। आप अपने टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन पर यह खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं कि जिस तरह से नए साल को वेलकम किया जा रहा है और लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी ये वो शहर है जहां आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिंदा दिलान के शहर लाहौर के आतिशबाजी के मुजाहरे देख सकते हैं कि जिस तरह से लाहौर में नए साल को वेलकम किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत विजुअल्स इस वक्त आप देख सकते हैं सुनो टीवी की स्क्रीन के बाद जिस तरह से कि नए साल को वेलकम किया जा रहा है। अलविदा 2022, खुश आमदी 2023 और बहुत खूबसूरत अंदाज लाहौरियों का कि वो जिस तरह से नए साल को वेलकम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जमा है और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और ये विजुअल्स आप अपने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हैं और कितने पुरजोश अंदाज में नए साल को वेलकम किया जा रहा है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान ये वो शहर हैं जहाँ आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा इस वक्त जारी है नए साल के आगाज में। जी बिल्कुल, जिंदा दिलाने लाहौर कोई भी त्यौहार मनाने में किसी से पीछे नहीं है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर के और रावलपिंडी के भी। आसमान जो है रंगो नूर से नहा गया है, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया है। शहरी न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकल आए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त लाहौरी जो हैं वो न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ तफरीही मकामात हैं जहां तकरीबात सजाई गई हैं और शहरी जो हैं न्यू ईयर नाइट का सेलिब्रेट कर रहे हैं और 2023 का इस्तकबाल किया गया, 2022 को अलविदा किया गया। नई उम्मीद, नए जोश और नए जुनून के साथ 2023 को वेलकम किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। बड़ी तादाद में इस वक्त न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। ये मनाजिर भी आप सुनो टीवी की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा है और रंगो नूर की बहार है। इस वक्त शहरी भरपूर जोश और जज्बे के साथ वेलकम कर रहे हैं 2023 को और दुआ यही है कि आने वाला साल खैर की खबरें लाए और आवाम के दामन में खुशियां उतरें, परेशानियां दूर हों और 2022 की जितनी भी तल्ख यादें थी उनको भुलाकर नए साल का आगाज किया जा रहा है। अवाम के लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि खुशियों भरा साल आए और नई सहर का पैगाम उतरे, परेशानियां दूर हों। हमारी तरफ से भी वेलकम किया जा रहा है 2023 को और शहरियों को यही पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि इस साल को भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएं और वेलकम करें। आपको बताते चले कि ये लाहौर और रावलपिंडी के मनाजिर हैं। कराची में भी साल नौ का इस्तकबाल किया गया है। जी, वेलकम बैक 2023 और ये वो मनाजिर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आतिशबाजी के आप लोग इसको तशबीह दे सकते हैं कौस व कज़ा से कि सारे रंग इस वक्त फजा के अंदर मौजूद हैं कि जिस तरह से लाहौर के अंदर शहरी नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं।
अलविदा 2022 सुरों टीवी की जानिब से नया साल मुबारक। दुआ है रब्बे जलाल से जो वक्त आए खुशियों भरा हो। आओ सब नया करते हैं, नई उम्मीदें, नया जोश, नया जुनून। अहद करते हैं कि इस मुल्क की खिदमत का, वफादारी का, खलूस का और मोहब्बत का। आओ खातिमा करें खुद गर्जी का, बदलें अपने रवैयों को और आओ मिल बैठें एक साथ, साथ दें और निखारें इस चमन को। वेलकम 2023। ये लाहौर के मनाजिर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिंदा दिलान लाहौर किस तरह से नए साल को वेलकम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनो टीवी की जानिब से भी कौम को नए साल की मुबारकबाद हो और वेलकम किया जा रहा है 2023 को। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का इस्तकबाल किया जा रहा है। 2022 को अलविदा किया गया और 2023 को वेलकम किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर, रावलपिंडी, कराची के ये मनाजिर हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा है और यूं लगता है जैसे रोशनियों से नहाया हो आसमान। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल खुशियों भरा होगा, आवाम के दामन में खुशियां उतरेगी और जो पिछले साल की तल्ख यादें हैं उन्हें भुलाकर नए साल और नई उम्मीद के साथ, नए जोश जज्बे के साथ साल को वेलकम किया जा रहा है। 2023 का इस्तकबाल किया गया है और मुल्क और कौम के लिए नई सहर का पैगाम लाया है ये नया साल। और हम भी दुआगो हैं कि आने वाला साल खैर का साल हो, हर तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलें और खैर की खबरें सुनने को मिलें। इसी दुआ के साथ हम भी 2023 को वेलकम करते हैं। सुनो टीवी की जानिब से भी कौम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का इस्तकबाल हो गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में शहरी जो है जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर इस वक्त न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मन चले हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बड़ी तादाद में शहरी, क्या बच्चे क्या बड़े, सब के सब सड़कों पर आ गए हैं और नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तकरीबात सजाई गई है, फनकार भी नया साल मनाने में पेश पेश हैं और हर तरफ जश्न का समा है। मुल्क भर में इस वक्त साल नौ का इस्तकबाल किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जश्न मनाया गया। और ये आसमान के मनाजिर हैं जो रंगों नूर से नहा गए हैं, रोशनियों से जगमगा उठे हैं। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है और साल नौ को वेलकम किया गया है। हमारी तरफ से भी, सुनो टीवी की जानिब से भी कौम को नए साल की भरपूर मुबारकबाद हो। अलविदा 2022, खुश आमदी 2023 और सुनो टीवी की जानिब से आप सबको नया साल मुबारक। और यही दुआ के रब्बे जलाल से हम दुआ करते हैं कि जो वक्त आए सबके लिए खुशियों भरा हो। बहुत खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं आतिशबाजी के, और यूं लग रहा है जैसे कौसो कज़ा के रंग बिखरे हुए हैं। आसमान रोशनियों से नहा गया है, रंग बिरंगी रोशनियां इस वक्त फजा में बिखरी हुई हैं जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये वो वक्त है कि हम अपना मुहासिबा करें, ये वो वक्त है कि हम लोग दुआ करें और एक दूसरे के लिए खैर चाहें कि अगला साल सबको रास आए। इस साल के अंदर हम वो सब कुछ करें जो हम पिछले साल नहीं कर सके। ये वो वक्त कि हम अपने आप से कुछ रेजोल्यूशन करें, कुछ मांगें अपने आप से कि हम अपने आप को क्या दे सकते हैं, इस मुल्क के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, इस मुल्क के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लाहौर के मुख्तलिफ मकामात के मनाजिर के शहरी बहुत सारी जगहों पर इस वक्त जमा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है और शहरियों के अंदर जुनून जज्बा देखा जा सकता है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, रावलपिंडी में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नई मस्कर, उनसे जानते हैं। जी नई मस्कर बताएगा, रावलपिंडी में साल नौ को कैसे इस्तकबाल किया गया, कैसे एंजॉय करें शहरी न्यू ईयर नाइट? जी बिल्कुल, साल नौ का आगाज हो चुका है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बैरिया टाउन फेस 7 में, जहां पर लिबर्टी चौक में बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े खवातीन मौजूद हैं और यहां पर एंजॉय किया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले बैरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से यहां पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है और यहां पर खूब हल्ला गुल्ला है, नौजवान हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल की थाप कर रक्स कर रहे थे आपसे कुछ देर कबल। और इसके अलावा जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो
साल नौ को खुश आमदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आतिशबाजी देखी जिसको देखकर बच्चे बहुत ज्यादा महसूस हुए, खवातीन हैं, बच्चे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पर साल नौ को खुश आमदीद कहने के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं और लाइटिंग जो है वो सड़कों के ऊपर की गई है। जो सड़कों के दरमियान जो चौक हैं उनको खूबसूरत रोशनियों से उनको सजाया गया है। इसके अलावा जो लोग जो यहाँ पर दीगर जो इमारतें हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी लाइटिंग है और लोग साल नौ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। जी ये थे नईम असगर जो हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं। रावलपिंडी के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त रावलपिंडी के अंदर क्या सूरत हाल है नए साल के इस्तकबाल के हवाले से, जिसमें उनका यह कहना है कि वहां आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है, लोग वहां पे जमा हैं, बच्चे बूढ़े खवातीन हर उम्र के अफराद अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं नए साल के इस्तकबाल के लिए और रोशनियों का बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है सड़कों के दोनों अतराफ और खूबसूरत रोशनियां हैं। मुल्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन शेख। हसन शेख, मुल्तान के अंदर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं कि वहां के लोग साल नौ का किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही 12 बजे तो मुल्तान के शहरी भी जो है बड़ी भरपूर तादाद में जो है बाहर निकले, सड़क साल 2023 जश्न मनाया। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वो हमें अपडेट कर रहे थे कि मुल्तान में भी शहरी साल नौ का इस्तकबाल कर रहे हैं। आसमान रंगों नूर से नहा गया है और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं ऐसे मौके पर। और ये कराची के मनाजिर हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं। आसमान रोशनियों से नहा गया है और साल नौ का इस्तकबाल किया गया है, 2023 को वेलकम किया गया है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ भी बाहर निकल आए हैं। 12 बजते ही साल नौ के आगाज के साथ मुल्क भर में आतिशबाजी और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में साल 2023 का आगाज हवाई फायरिंग, धमाकों और पटाखों के साथ साथ हल्ले गुल्ले के साथ हुआ और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आसमान जो है रोशनियों से नहा गया है और कराची में मुख्तलिफ जो तफरीह मकामात हैं वहां पर न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कराची में साहिल समंदर, नुमाइश चुरंगी और निजी हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर मकामात पर नौजवानों ने आतिशबाजी का मुजाहरा किया और जश्न मनाया जा रहा है। हसन शेख से ही बात करेंगे। हसन, बताइएगा शहरी कैसे इंजॉय कर रहे हैं और कैसे वेलकम किया जा रहा है 2023 को? निकले और मुल्तान के जो मुख्य और उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी थी और मुख्तलिफ म्यूजिक पे लगा कर जो है उन्होंने खूब हल्ला गुला किया। जैसे 12 बजे आतिशबाजी का बड़ा शानदार मुजाहरा किया गया, ना सिर्फ कैंट बल्कि गुलगश और दीगर इलाकों में जो है आतिशबाजी की गई और जी तो मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। हसन शेख हमें मुल्तान से बता रहे थे कि शहरी हल्ला गुल्ला करने सड़कों पर निकल आए हैं, मनचले जो हैं वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ढोल के थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि फनकार भी नया साल मनाने में पेश हैं और मुख्तलिफ तकरीबात सजाई गई हैं और साल नौ को वेलकम किया जा रहा है। कैसर इफ्तिखार लाहौर से हमारे साथ मौजूद है जो हमारे साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त लाहौर के अंदर क्या माहौल है। जी कैसर, बताइए, शेयर कीजिए, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ पे क्या माहौल है? जी जहाँ 2022 कुछ तल्ख यादें वहीं पर शीरी यादें जो है वो छोड़कर अलविदा हो गया है, इस वक्त 2023 की जो है वो यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है बैरियर टाउन लाहौर में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो रंग बिरंगे कुमकुमों से जो है 2023 को वेलकम किया गया, क्योंकि लॉरी ये जो है वो अपनी जिंदा दिली से मशहूर हैं तो लॉरियों ने आज जो है वो यहाँ पर बैरियर टाउन में जो है वो रंग बिरंगे जो कुमकुमे और आतिशबाजी के साथ यहाँ पर 2023 को जो है खुश आमदीद कहा है। लाहौर में मैं अपने नाजिर को बताते चलूं कि ओवरऑल यहाँ पर 8 से 10 मुकामात पर जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और 2023 नया आने वाले साल को जो है वो खुश आमदीद कहा। यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग इस वक्त बैरियर टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पर आइफल टावर के पास जो बहुत ज़्यादा जो है आतिशबाजी की गई और रंग बिरंगी जो है वो जो परचम लहराए गए और 2023 को जो है वो वेलकम किया गया।
वहीं पर मैं अपने नाजिक बताते चलूं कि बैरियर टाउन में ना सिर्फ बल्कि पूरे वो शहरियों का रश जो दिखाई दिया है मेरे पीछे, अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रैफिक का जो हजूम आपको दिखाई देगा, जो कि अभी भी लोग जो है बैरियर टाउन में एंटर हो रहे हैं और आइफल टावर के पास जो है वो 2023 को खुश आमदीद करने के लिए आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो लाहौर पुलिस की जानिब से 6000 से ज्यादा जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए थे ताकि किसी भी किस्म की जो है नागहानी सूरत तैयार से निपटा जा सके और खसूसी तौर पर वन व्हीलिंग करने वाले और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ जो है वो इकदाम किए जा सके। लेकिन अभी 2023 जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जिसको लाहौरियों ने ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में खुश आमदीद कहा गया है, यहाँ पर बैरियर टाउन में बहुत ही जोशो जज्बे से लाहौरियों ने जो है वो बड़े ही जोशो खरोश से जो उसको खुश आमदीद कहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आइफल टावर लाहौर में जो है वो बहुत ही हैवी मकदार में जो है आतिशबाजी की गई और 2023 के नए साल को खुश आमदीद कहा और कुछ जहाँ पर जो शहरी है वो मिठाइयाँ बांटते भी दिखाई दिए। यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे जो फैमिलीज के साथ लोग आए हैं, छोटे बच्चों के साथ, और यहाँ पर बूढ़े लोग भी जो है वो 2023 को खुश आमदीद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर इस वक्त बहुत सारा बहुत जो जम्मे गफीर है शहरियों का जो कि यहाँ पर 2023 की खुशियों को मना रहे हैं बैरियर टाउन में, क्योंकि शाम 4 से 5 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं और रात तक यहाँ पर जो है वो लोग आइफल टावर के पास जो है वो 2023 जो नया साल है उसको खुश आमदीद कहने के लिए अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो पैदल पैर अपनी गाड़ियों पर और अपने व्हीकल्स पर आ रहे हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है 2023 को खुश आमदीद कहा गया है, आतिशबाजी की गई और खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटी गई। जबकि यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं, जो यहाँ की जो ये जो जिस सोसाइटी में हम लोग खड़े हैं सर, आपने कहा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, ट्रैफिक भी जैम हो गई आपके पीछे देखा भी जा सकता है, काफी लोग मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और अगर ट्रैफिक जाम हो जाती है मुतबादल रास्ते फराहम किए गए हैं और ये भी सुनने में आ रहा था कि दफा 144 नाफिज की गई है, कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी जैसा कि मैं अपने नाजरीन को पहले बता चुका हूं कि सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से जो है वो लाहौर भर में 6000 से ज्यादा जो है वो अफसरान और जवान जो है पुलिस के तैनात किए गए हैं, जिसमें एंटी राइड फोर्स भी है, डॉल्फिन पुलिस भी है और जी कैसे कंटिन्यू कीजिएगा। सही, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त शहरी जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मनचले सड़कों पर आ गए हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और साले नौ को इस्तकबाल किया गया है, 2023 को वेलकम किया गया है और बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। हमारे नुमाइंदे बहरिया टाउन से हमें अपडेट कर रहे थे, आइफल टावर को सजाया गया है और वहां आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है और ट्रैफिक इस वक्त जाम हो गई है, अभी भी बहरिया टाउन में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और रात भर ये जश्न जारी रहेगा, साल नौ को इस्तकबाल किया जाएगा, 2022 तल को श्री यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और बड़ी तादाद में शहरियों ने 2023 को वेलकम किया, नए साल की नई उम्मीदें, नई तमन्नाएं और नई दुआओं के साथ 2023 को वेलकम किया गया शहर लाहौर में और शहर लाहौर के बासियों ने 2023 का शानदार इस्तकबाल किया है। अलविदा 2022, खुश आमदे 2023। आप विजुअल्स देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो कि लाहौर के हैं, कि लाहौर में किस तरह से लोग नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त बहुत खूबसूरत समा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा इस वक्त वहाँ पर जारी है, बहुत सारे लोग जमा हैं जिनमें ख़वातीन हैं, जिनमें बच्चे हैं, जिनमें बूढ़े हैं, हर उम्र के अफराद वहाँ पर मौजूद हैं जो इस खूबसूरत मंजर से महजूज हो रहे हैं। सिक्योरिटी का खातिर-ख्वाह इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी के लिए बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम वहां पे मौजूद हैं। सही, रमजान सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, हर इलाके में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। पेशावर का रुख करते हैं, पेशावर में भी नए साल की आमद का जश्न शुरू हो गया है, लोग 2023 का जश्न किस तरह से मना रहे हैं ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज से। जी काशिफ, बताइएगा पेशावर में क्या मनाजिर है, शहरी कैसे इंजॉय कर रहे हैं आज की रात को?
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पिशावर में भी बासी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है, न्यू ईयर नाइट जो है वो मना रहा है। पिशावर पुलिस की जानिब से पिशावर के मुख्तलिफ हिस्सों में 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ भी पिशावर में सिक्योरिटी को जो है वो कायम रखने के लिए मौजूद है बाज़ारों में, जबकि पिशावर के मुख्तलिफ मकामात पर लोग खुशी जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से मनाते हैं। पिशावर सदर में लोग निकले हुए हैं, बाज़ारों में हैं, खाने पीने की अशिया जो है उससे महजूज हो रहे हैं, कोई आइसक्रीम खाता है तो कोई यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं और न्यू ईयर नाइट को मना रहे हैं। जी मरी में भी नए साल पर जश्न का समा है, माल रोड पर हल्ला गुल्ला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अतीक अब्बासी से। जी अतीक, बताइएगा क्या सूरत हाल है मरी की इस वक्त? जी, साल नौ की आमद के मौके पर मुल्क भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद ने मलका कोसार मरी का रुख की है। आए इन्हीं से बात करते हैं कि नए साल के मौके पर मलका कोसार मरी में ये कैसा फील कर रहे हैं और किस हवा, कहाँ कहाँ से आए? हम इधर मरी में आए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भी था इसलिए आए थे, और ये था कि हम इसलिए आए थे कि शायद क्या पता स्नोफॉल हो जाए, लेकिन बदकिस्मती समझे हम अपनी, क्योंकि वो नहीं हो सकी। मरी में खूब इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्त इस तरह इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चूंकि हम आए तो स्नोफॉल के लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल आज नहीं है। नए साल को भरपूर तरीके से मनाया है, लेकिन इन सियाहों की कोई थोड़ा सा जनाब शुगर मिला करते थे, इन्होंने बेहतरीन की है, लेकिन आज सियाहों को उस वक्त थोड़ी मायूसी हुई है कि मलका कौसर मरी का जो जीपीओ चौक है ये नए साल की आमद पर इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ पर आतिशबाजी होती थी, लड़गुल्ला होता था, लेकिन इस दफा इंतजामिया ने इंतहाई सख्ती कर रखी थी और सियाह जो है वो इन चीजों से बिल्कुल महरूम है। जी सही, तो मरी में जो मनचले हैं वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से मायूस नजर आए क्योंकि आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं किया गया जैसे कि होता था। गुजरावाला का रुख करते हैं, नए साल का जश्न जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। शहर में नए साल की आमद पर आतिशबाजी और डिस्को लाइट्स का शानदार मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं जुबैर भट्टी से। जी जुबैर, हमारे साथ शेयर कीजिए इस वक्त गुजरावाला के अंदर लोग नए साल का किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह गुजरावाला में भी आज न्यू ईयर नाइट बड़े ही पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। गुजरावाला के जो शहरी हैं वो घरों से निकल आए हैं और नए साल की जो खुशियां हैं वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में शहरी फैमिलीज के हमराह यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सेल्फियां ले रहे हैं और इस न्यू ईयर नाइट को बड़े ही शानदार तरीके से इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही तोको की जा रही है कि आने वाला जो आज साल शुरू हो चुका है 2023, उसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो मैशी बहरान है वो भी खत्म होगा और पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो भी घरों से निकले हुए हैं और न्यू ईयर नाइट को बड़ी तादाद में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और इस वक्त हम चलते हैं कैसर इफ्तिखार के पास जो कि लाहौर में मौजूद है और वो वहां पे क्या माहौल देख रहे हैं, लोग किस तरह से नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। जी कैसर, बताइए, कुछ शेयर कीजिए इस वक्त वहां पे क्या माहौल चल रहा है। जी लौरिए जैसे जिंदा दिल लौरिए कहलाते हैं, उसी तरह आज 2023 जो नया साल का जो अभी कुछ देर पहले जिसका आगाज हुआ है, शहरी जो है वो बड़े ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम लोग इस वक्त, मैं अपने नाजी को पहले भी बता चुका हूं कि बैरियर टाउन लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद बहुत जो है वो बड़ा ही शानदार यहाँ पर जो है वो फायरवर्क हुआ। फायरवर्क होने के बाद यहाँ पर शहरियों ने मिठाइयाँ बांटी और जो इस वक्त जो बैरियर टाउन की जो सिचुएशन है वो ये है कि शाम 4 से 5 बजे के करीब से लोग यहाँ पर आईफल टावर बैरियर टाउन में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है वो बड़े ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अभी भी गाड़ियां जो है वो बैरियर टाउन से एंटर होकर आईफल टावर की तरफ जा रही हैं। और इस जो पहला दिन है 2023 का, नए साल का जो दिन पहले दिन का आगाज हुआ है, उसको बड़े ही पुरजोश और जोश और खरोश से मना रहे हैं। जबकि यहाँ पर इस वक्त बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग गाड़ियों पर आ रहे हैं, कुछ पैदल भी यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो कुछ लोग पैदल भी यहाँ सर आईफल टावर की तरफ जा रहे हैं और जोशो खरोश उनके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जो फायरवर्क्स को देख के बहुत खुश हो रहे थे, जबकि यहाँ पर मौजूद शहरियों ने नए साल के आगाज की खुशी में मिठाइयाँ बांटी और बड़े ही पुरजोश तरीके से जोशो जज्बे से जो है वो नए साल को खुश आमदीद कहा। सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे तो सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से 6000 से ज्यादा जो है वो पुलिस जवान और अफसरान को तैनात किया गया था ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर दूसरी तरफ बात की ट्रैफिक की तो ट्रैफिक के हवाले से क्योंकि लाहौर में जो 8 से 10 मुकाम पर जो है वो फायरवर्क्स का इनेकाद किया गया था नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए, 8 से 10 मुकाम पर फायरवर्क्स होना था। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से मैं अपने नाजी को बता चुका हूँ कि 6000 तैनात पुलिस अफसरान तैनात थे, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स के जो तादाद थी वो तकरीबन 800 से 1200 के करीब जो वो ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए थे ताकि ट्रैफिक की रवानी को शहर भर में वो यकीनी बनाया जाए। जबकि CTO लाहौर ने कल से ये पैगाम दे दिया था कि ट्रैफिक के जो रूट्स प्लान भी बता दिए थे उस हवाले से जो ट्रैफिक का निज़ाम जैसे कि आम सालों में पिछले सालों में नजर आता है इस दफा उतना ज्यादा जो है वो बदनजबी का शिकार नहीं देखा गया, क्योंकि लाहौर में मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड और किनार रोड जो है एक ऐसे रोड जो रोड्स हैं जो कि अगर ट्रैफिक उसमें बदनजबी का शिकार हो जाए तो सही कहीं पर भी बदनजबी देखने में नहीं आई। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए और ट्रैफिक के लिए रूट्स भी डिसाइड थे ऑलरेडी। कैसर साथ ही मौजूद रहेगा, नए मसगर से जानेंगे, रावलपिंडी चलते हैं। नहीं बताइएगा यहाँ पर न्यू ईयर नाइट कैसे मनाई जा रही है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक चल रही है या फिर इस हवाले से कोई खास इंतजाम किए गए हैं, मुतबादल रास्ते फराहम किए गए हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल जो है अब से कुछ देर पहले काफ़ी ख़राब थी क्योंकि न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए थे और स्पेशली जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं बैरिया टाउन की जानिब आने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, गाड़ियों की लंबी कतारें थी इस तरफ आने के लिए क्योंकि फायरवर्क्स जो थे वो इस्लामाबाद में नहीं हो रहा इस वक्त, इस्लामाबाद पिंडी में हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की आ रही थी और गाड़ियाँ फंसी हुई थी। इस वक्त भी जो लोगों का रश है सड़कों के ऊपर मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों में मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टेम्परेचर काफ़ी कम है, लेकिन लोग जो हैं वो साले नौ को खुश आमदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं गाड़ियों में, बच्चे मौजूद हैं गाड़ियों में, जो मंचले हैं उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है और इस नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ मंचलों ने रक्स भी किया गाड़ियों में से गाड़ियों के म्यूज़िक पर और उसके बाद यहाँ पर इस वक्त से अब लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने 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 अंदाज में अपने अपने स्टाइल में लोग साले नौ को खुश आमदीद कह रहे हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और इस साले नौ की खुशियों को मनाने के लिए इंजॉय कर रहे हैं। जी ये थे नई मस्कर जो हमारे साथ रावलपिंडी के मनाजिर शेयर कर रहे थे कि इस वक्त रावलपिंडी के अंदर लोग किस तरह से साले नौ का इस्तकबाल कर रहे हैं। नईम हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस वक्त चलते हैं मुल्तान जहां हमारे साथ मौजूद है हसन शेख। हसन, मुल्तान के अंदर इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, मुल्तान के लोग किस तरह से नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं? मुल्तान के भी जो शहरी हैं उन्होंने नए साल को बड़े पुरजोश अंदाज में वेलकम किया। जैसे ही 12 बजे मुल्तान के शहरी जो है वो सड़कों पर निकले, 12 बजते ही मुल्तान के शहरियों की जानिब से जो है वो आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और उसके बाद जो है ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, म्यूजिक पर जो है वो रक्स किया गया, जो मंचले हैं वो सड़कों पर निकले, अपनी गाड़ियाँ जो है वो रोड की साइड पर लगा कर उन्होंने जो है खूब रक्स किया और नए साल को जो है बड़े पुरजोश अंदाज में जो है वेलकम किया। सिक्योरिटी के बजाय खातिर का इंतजाम किए गए थे, तकरीबन 1300 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है तैनात किए गए हैं। यही वजह है कि अभी तक जो है तमाम तो सूरत हाल जो है नॉर्मल है, लोग जो है वो शहरी जो है बड़े पुरजोश अंदाज में नए साल को वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे शहरी उनका भी ये कहना था कि जो 2022 था वो बहुत ही कल की यादों के साथ रुखसत हुआ, लेकिन हसन शेख साथ ही मौजूद रहेगा कैसर इफ्तिखार से जानते हैं। कैसर इफ्तिखार बताइएगा लाहौर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि डिसाइड किए गए थे यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और कितनी तादाद में इन पॉइंट्स पर शहरियों ने रुख किया है? फोर्ट्रेस के बाद बैरियर टाउन,
आजादी चौक जिसे हम नारे पाकिस्तान भी कहते हैं, गुलशन इकबाल पार्क, ठोकर न्याज बेग रायवंड के पास एक एरिया है, जबकि वाबडा टाउन, वाबडा टाउन के साथ जो एक एरिया है वलिंशिया टाउन, वहां पर भी ये तकरीबन टोटल कोई तकरीबन 8 से 10 मुकामात थे जहां पर लाहौर में आज फायरवर्क्स हुआ है, जिसमें नए साल को खुशामदीद कहा गया है। जबकि अगर आप शहरियों की तादाद के बारे में बात की जाए तो शहरी जो लाहौर के शहरी हैं वो तो हमेशा जो जिंदा तिलाने लाहौर कहलाते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में हर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो शहरियों ने जो है शिरकत की। जबकि अभी कुछ हमें इत्तला मिली है कि आज़ादी चौक में बहुत बड़ा जो शहरियों का हजूम वहाँ पर मौजूद था फायरवर्क्स के दौरान, और अगर बैरियटॉन की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं, जिसमें बड़े बच्चे, बूढ़े और बड़े जो है शामिल हैं। जबकि शहरियों ने यहाँ पर अपने अपने अंदाज से जो है वो नए साल का जो आगाज है उसको खुश आमदीद कहा है। कुछ मंचले हमें यहाँ पर डांस करते दिखाई दिए, कुछ ने अपनी अपनी गाड़ियों में लाउड स्पीकर में जो है वो म्यूजिक लगाकर डांस किया, जबकि छोटे बच्चे जो है वो नए साल के आगाज को जो वो अपने ही अंदाज में शोर शराबे के अंदाज में मनाते रहे यहाँ पर, क्योंकि फायरवर्क्स जो है वो लाहौर का सबसे बड़ा फायरवर्क्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ शहरियों की तादाद ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी भी जो शहरी जो लेट हो गए थे, जो यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच सके, वो अभी भी लोग यहाँ से पैदल भी आ रहे हैं अपने अपने व्हीकल्स पर भी जो है वो बैरिया आइफल टावर की तरफ जो नए साल का आगाज है उसकी खुशियां मनाने के लिए अभी भी मौजूद हैं। जबकि दूसरे जो इलाके जैसे कि इकबाल टाउन मैंने आपको बताया है, आज़ादी चौक बताया है, ठोकर न्याज बेग है, रायवंड रोड है, वाबडा टाउन है, विलिंशिया टाउन है, और दूसरे जो मकामात हैं वहाँ पर भी जो मुकामी जो शहरी हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मौजूद होते हैं। और अभी जो फायरवर्क्स के बाद के जो हालात हैं मैं अपने नाज़रीन को उनसे आगाह कर दूँ, क्योंकि जिंदा दिला ने लाहौर जो है वो खुशी मनाने में सबसे आगे हमेशा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने अब डिफरेंट मिठाइयों की दुकानों पर और दूसरे जो रेस्टोरेंट्स हैं और दूसरी जगहों पर अपने अपने अंदाज से जो है वो खुशियां मनानी है। और यहाँ पर इस वक्त बच्चे, बूढ़े, बड़े अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि लाहौर पुलिस की जानिब से 200 मकामात पर नाके भी लगाए गए हैं ताकि भी किसी भी किस्म की नागहानी सूरत से निपटा जा सके और किसी भी किस्म की जो क्राइम है उसको ओवरकम किया जा सके, ताकि शहरियों को लाहौर जो नया साल है उसकी खुशी के साथ साथ प्रोटेक्ट भी किया जा सके। जी कैसर हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कैसर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और अब रुख करते हैं कराची का, जहाँ हमारे साथ मौजूद है सफीर रशीद। सफीर रशीद, इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं आप, और बताइए वहाँ पे शहर कराची के लोग किस तरह से नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। दुनिया भर में आज जो है साल में मनाया जा रहा है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची बैरियर टाउन में, जहाँ जो कराची से जो है वो 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन यहाँ पर लोगों का बहुत हजूम था, लोगों ने जो है वो नए साल की खुशियाँ मनाई और बहुत हाई लेवल पर जो है यहाँ पर स्ट्रीट आतिशबाजी की गई, और आतिशबाजी से जो है बिल्कुल जो है ये आसमान चमक उठा। लेकिन यहाँ हमारी कुछ कराची के जो लोगों से बात हुई उनका यही कहना था कि कराची में तफरीही मकामात बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है काफ़ी दूर से यहाँ आए हैं, लेकिन काफ़ी इंजॉय किया यहाँ कराची के लोगों ने और बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर जो है आतिशबाजी कराची के लोग इंजॉय कर रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं नए साल का इस्तकबाल बाल किया जा रहा है। सफीर रशीद साथ ही मौजूद रहेगा, नई मसगर से जानेंगे। नई बताइएगा रावलपिंडी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर साले नौ की तकरीबात सजाई गई और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, यहां पर कितनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। रावलपिंडी में जो सबसे बड़ा का मुजाहिरा किया गया है वो बहरिया टाउन फेज 8 में किया गया, और यहाँ हम इस वक्त लिबर्टी चौक पे मौजूद हैं, स्टेचू ऑफ लिबर्टी जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर खास इंतजाम किए गए थे और जो सड़कें हैं उनको भी सजाया गया था, जो इमारतें रस्ते में हैं उनको भी बल्कि कमकमों से सजाया गया था, और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, और लोगों में सिर्फ मंचले नहीं थे, फैमिलीज मौजूद थी, खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, और सब लोगों ने यहाँ पर आतिशबाजी को खूब इंजॉय किया। इसके अलावा जो मंचले हैं वो तो हमेशा की तरह म्यूज़िक उन्होंने ऑन किया और खूब इंजॉय किया। बाकी इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में चूँकि सूरत हाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस हवाले से कुछ खदशात पाए जाते थे, तो इस्लामाबाद में जो है
जो तफरीही मकामात हैं 5 मकामात को बंद किया गया था। इस रावलपिंडी में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन पहले की तरह इस्लामाबाद में लोग नहीं निकले, उसकी वजह शायद सिक्योरिटी खदशात हैं। रावलपिंडी में भी साले नौ का जश्न मनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो साले नौ को खुश आमदीद कहें, खुशियों को इंजॉय करें, लेकिन एहतियात भी करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए बर वक्त पुलिस को इत्तला करें। इसके अलावा और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी हो। बहुत सारे मंचले होते हैं वो जो मल रोड पे। नहीं मस्कर आप हमारे साथ रहिए, हसान शेख आप हमारे साथ रहिए, सफीर रशीद और कैसर इफ्तिखार आप भी हमारे, और आप रुख करते हैं सियालकोट का न्यू ईयर नाइट को स्पेशल बनाने के लिए। मनचले सड़कों पर निकल आए, नए साल की आमद पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। मसीह जानते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मियां नदीम से। जी बताइएगा सियालकोट में कैसा हल्ला गुल्ला जारी है, मनचले कैसे सेलिब्रेट करें न्यू ईयर नाइट। 22 को बाय बाय और 2023 को वेलकम करने के लिए सियालकोटी भी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मैं सब मौजूद हूँ सियालकोट के गंडागर चौक में, जहाँ पर 12 बजते ही नए साल का केक काटा गया है और यहाँ पर ढोल की थाम पर रक्स किया गया है और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया है। यहाँ पर जो है ना वो शहरी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बातें हैं, पूछते हैं कि 2023 को कैसे देखते हैं, 2022 का साल कैसा गुजरा। 2022 तो बड़ा सख्त था, महंगाई की वजह से बहुत हम परेशान रहे हैं, वहाँ काफ़ी परेशान रही है, और 2023 को हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से कि जो आने वाला 2023 है वो हमारे महंगाई से बचाया जाए। गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो गरीब आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने शहरी की बात, उनका ये कहना था 2022 का जो साल गुजरा इंतहाई महंगाई का साल था और 2023 में ये उम्मीद की जा रही है कि खुशहाली का साल होगा। यहाँ पर जो है ना वो ढोल की थाम पर नौजवानों की जानिब से रक्स किया जा रहा है और 2023 के नए साल के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। जी सही, मियां नदीम हमें बता रहे थे कि शहरी दुआ गो हैं आने वाला साल महंगाई से दूर हो और महंगाई ना हो, हम भी यही दुआ करते हैं। सवाद का रुख करते हैं, सवाद के सर्द मौसम में नए साल की खुशी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। अब्दुल्ला शेरी इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। जी अब्दुल्ला, इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सुनो टीवी के नाजरीन को नया साल मुबारक हो और उम्मीद है अल्लाह से कि ये साल हमारे लिए अच्छा साबित हो। इस वक्त मैं स्वात के सियाहती मुकाम कालाम में मौजूद हूँ और -4 टेम्परेचर है और इस सर्द मौसम में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह मौजूद है और यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। अगर आप देखें तो बून फैर है और यहाँ पर आतशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है, तो काफ़ी तादाद में सयाह मौजूद है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ तकरीबात हो रहे हैं वो इससे महसूस हो रहे हैं। सैलाब के बाद रास्ते थोड़े ख़राब हैं, लेकिन फिर भी छोटी बड़ी गाड़ी आसानी के साथ आ सकती है, तो अगर आपने आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके साथ गर्म कपड़े, गर्म जैकेट ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप सर्दी का भी मुकाबला कर सकें और ख़ूबसूरत नज़ारों से भी आप लुत्फानंदोज़ हो। जी शुक्रिया अब्दुल्ला शीरी जो हमें स्वात के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि स्वात में लोग किस तरह से नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं वापस कैसर इफ्तिखार के पास जो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। कैसर, अमूमन जब इस तरह से नया साल आता है तो बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, तो ये इम्कान मौजूद रहता है कि ट्रैफिक जैम होगा, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है जहाँ पर आप मौजूद हैं। जी जैसे आपने अभी कहा कि जब भी कोई नया साल या कोई त्यौहार ऐसा आता है शहर में तो ट्रैफिक के इंतजामात में उसमें बदनज़मी पैदा होती है, लेकिन इस बार जो है वो जारी बात है, जब लोग इकट्ठे जो नए साल की खुशामदीद करने के लिए निकले हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में थोड़ा बहुत खलल तो पैदा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जैसे मैं अपने नाज़रीन को पहले बता चुका हूँ 800 से 1000 वार्डन्स को तैनात किया गया है जो कि वो पूरी कोशिश करें कि किसी जगह पे भी ट्रैफिक का जो ज्यादा जो है तैनात है और सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम। आइएगा, शहरी उम्मीदें क्या लगाए बैठे हैं नए साल से और पिछले साल को किन अल्फाज में याद किया जा रहा है, नई नई उम्मीदें क्या हैं और नया जोश है, शहरी किन तासरात का इजहार कर रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे बैरियर टाउन में और इससे पहले भी हम लोग जब शहर में दूसरे इवेंट्स को कवर करते नजर आए उसमें हमने डिफरेंट जो मुख्तलिफ लोगों से बात की तो हर बंदे ने जो है वो 2022 की जो महंगाई के हवाले से बात की, पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात की,
आटे की कीमत के हवाले से बात की, लेकिन फिर भी जो लॉरिये या पाकिस्तानी जो हैं उनके अंदर एक जज्बा है कि 2023 उनको एक उम्मीद है, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए हैं कि 2023 जो है वो अच्छे के साथ आएगा और 2023 में मुल्क पाकिस्तान में जो है वो अमनो अमा के साथ जो है वो महंगाई का ये जो जिन है वो भी काबू होगा। लेकिन जो कि 2022 के हवाले से कोई इतने ज़्यादा अच्छे ख्याल ना होने के बावजूद भी लॉरियों ने 2023 को बड़े ही ज़्यादा ओपन हार्टेडली जो है वो उसे वेलकम किया है और उनका यही कहना है कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो है वो 2023 में कुछ ऐसे इकदाम करेगी जिससे जो महंगाई भी खत्म होगी और आम आदमी जो गरीब आदमी है उसके लिए भी जो है आसानियां पैदा होंगी। तो लोग बड़े पुरजोश दिखाई दिए जी आज की रात यहाँ पर, उन्होंने जो 2023 को बड़े ही खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा है और बड़े जोश व जज्बे के साथ जो अभी भी वो जो सेलिब्रेशन चल रही है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जो है वो सारे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज से 2023 को खुशामदीद कहते हुए 2023 में हुकूमत की जानिब से भी और वैसे भी जो है वो उसको अच्छे की उम्मीद लगाई हुई है कि 2023 है वो एक अच्छा साल साबित होगा जिसमें आम आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए जो है वो हुकूमत जो है वो अच्छे इकदाम करके उनके लिए आसानियां पैदा करेगी। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो 2022 की, तो 2022 के हवाले से अगर बात करते हैं तो उस हवाले से जो जो शहरी हैं वो इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं बल्कि थोड़े से परेशान दिखाई दिए कि 2022 में पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 2022 के हवाले से आवाम थोड़ी परेशान दिखाई दी, महंगाई का शिकवा करती नजर आई, मईशत भी कोई खास अच्छी नहीं रही पिछले साल और इसी दुआ के साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल बेहतरीन का साल हो। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन शेख से जानेंगे। हसन बताइएगा यहाँ के शहरी 2022 के हवाले से कैसे शिकवे करते दिखाई दिए, यकीनन हर शहर में जितने भी शहरी थे वो महंगाई के हवाले से शिकायत कर रहे थे लेकिन आने वाले साल को भरपूर अंदाज में वेलकम भी किया, नई उम्मीदें थी, नया जोश था, नया वलवला था। हम भी यही दुआ करते हैं कि आने वाला साल खैर का साल हो, तो यहाँ के शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब हमारी बच्चों से भी बात हुई, बच्चे जो है वो नए साल को लेके बड़े पुरउम्मीद थे, उनका भी यही कहना था कि नया साल जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा, स्टडीज के लिए बेहतर होगा क्योंकि पिछले साल में जो है काफी ज्यादा छुट्टियां आई लेकिन अब आने वाला साल जो है वो काफी बेहतर होगा और नए साल के लिए उन्होंने काफी ज्यादा उम्मीदें भी जाहिर की। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनके साथ हम बात करते हैं। जी बेटा, आप क्या कहना चाहते हो, 2022 कैसा गुजरा और 2023 से कैसी उम्मीदें आपको बताएं, क्या कैसी उम्मीदें आप करना चाहती है 2023 में, आप क्या करना चाहेंगी? बहुत अच्छा साल होगा, मुझे फायरवर्क्स में बहुत मजा आया और डांस भी हमने देखा यहाँ पे, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनके साथ भी हम बात करते हैं। जी आप क्या कहना चाहती हैं, 2022 में आपने लाजमी कुछ ना कुछ खोया होगा, 2023 से किस तरह की उम्मीदें हैं? बेशक, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम लोगों को 2022 में बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए और वैसे भी लाइफ में चैलेंजेस आए, हम आगे चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, हम बहुत पुरउम्मीद हैं और हुकूमत के लिहाज से भी बहुत पुरउम्मीद है, हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ में आसानियाँ मिलें। बाकी यहाँ आके हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें फायरवर्क्स का, सर्दी तो बहुत है लेकिन फिर भी हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी तो बहुत है और दर्जा हरारत जैसे जैसे वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है और दर्जा हरारत जो है मजीद कम होता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद जो जोशो खरोश है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का, शहरियों का, जो मुल्तानी है वो बड़े पुरजोश अंदाज में नए साल को वेलकम कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी बात की कि हुकूमत के लिए जो है इन्होंने उम्मीद यही जाहिर की कि आने वाली जो हुकूमत है, जो अब आने वाला जो साल है वो 2023 वो हमेशा के लिए पुरउम्मीद साबित हो और अच्छा साबित हो। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनके साथ ये बात करते हैं। जी बेटा, आप क्या कहना चाहोगे, 2023 कैसा साल होगा? बहुत अच्छा साल होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, इनकी इन्होंने कहा कि 2023 जो है वो एक अच्छा साल होगा और आने वाला जो 2023 है वो बच्चों के लिए खसूसी तौर पर उन्होंने ये ख्वाहिशात का इजहार किया कि हुकूमत जो है जैसे जैसे सब्सिडीज जो है उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे। जी हसन शेख हमारे साथ रहिएगा और हम रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां हमारे साथ मौजूद है नईम असगर। नईम असगर, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों से आपने यकीनन बात की होगी, उनकी क्या राय है 2022 के हवाले से और वो क्या समझते हैं 2022 में उन्होंने क्या खोया और नए साल के हवाले से उनके क्या रेजोल्यूशन है? देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद जो शहरी हैं वो
2022 में परेशान नजर आए महंगाई की वजह से। महंगाई ये सब का मसला रहा, जिससे भी हमने बात की उन्होंने कहा कि महंगाई और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी उसका गिला किया, उसके बारे में उन्होंने बात की। और उनका ये कहना था कि 2022 जो है वो खसूसन मजदूर तबके पर और लोअर मिडिल क्लास पर बहुत भारी गुजरा है। ताहम 2023 के हवाले से कुछ मिला जुला रुझान रहा, लोगों का बहुत सारे लोग पूर्व उम्मीद नजर आए। उनका ये कहना था कि 2023 हो सकता है, बल्कि उम्मीद है कि 2023 खुशियाँ लेके आएगा, इस मुल्क के लिए अमन और बेहतरी लेकर आएगा। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 2022 की तरह 2023 के बारे में भी कुछ बहुत ज़्यादा पूर्व उम्मीद नज़र नहीं आए। उनका ये कहना था कि जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, दिहाड़ीदार जो शख्स है, जिसके जो दिहाड़ी करता है, जो मजदूरी मेहनत मजदूरी करता है, उसके बच्चे कल भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं, और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि 2023 में भी उनके लिए कोई सोचेगा। तो ये सूरत हाल कुछ जो है मिली जुली नजर आई 2023 के हवाले से। 2023 के हवाले से जो 2022 की बात की जाए तो 2022 के हवाले से जो सरकारी मुलाज़मीन है वो तो कुछ उम्मीद वो कुछ नजर आए, इत्मीनान उनके चेहरों पर था, उनकी बातों में इत्मीनान था। जो सरकारी मुलाज़मीन है या जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं वो परेशान नजर आए पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। लेकिन जो मजदूर तबका है वो परेशान नजर आया अपनी अर्निंग के हवाले से, अपनी मजदूरी के हवाले से। 2023 के बारे में बात की जाए तो 2023 के बारे में भी लोगों का मिला जुला रुझान ऐसा ही था कि जो लोग जिनके घर जिनको इकोनॉमिक का कोई इशू नहीं है, सरमाए का कोई मसला नहीं है, उनके घर चल रहा है, किचन चल रहा है, वो सियासत के हवाले से परेशान नजर आए और मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से उन्होंने बात की। जबकि जो परेशान नजर आए महंगाई के हवाले से शिकवा करते नजर आए कि 2022 में बहुत महंगाई थी, लेकिन आने वाले साल से यही उम्मीद है कि महंगाई का साल ना हो और आफतों का साल ना हो, बेहतरी लेकर आए नया साल। शहरी यही उम्मीद का इजहार करते रहे। तमाम तर शहरों में सफ़ीर रशीद और हसन शेख, नई मसगर, कैसर इफ्तिखार हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। तमाम तर शहरी साल नौ का इस्तकबाल करने सड़कों पर निकल आए और खूब मंचलों ने हल्ला गुल्ला किया। और आपको बताते चले कि तमाम तर शहरों में साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल किया गया। और आपको बताते चले कि सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और थाईलैंड में भी नए साल का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। यहाँ घड़ी ने 12 बजाए, वहाँ न्यूजीलैंड ने 2023 को सबसे पहले खुशामद